नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस ने जमकर हमला बोला है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे से राज्य के लोगों को निराशा हुई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सिर्फ भाजपा की चुनावी संभावनाओं को तलाशने यहां पर आए हुए थे, लेकिन उनकी सभा से नदारद भीड़ ये बताने के लिए पर्याप्त थी कि छत्तीसगढ़ की जनता ने प्रधानमंत्री को और भाजपा को दोनों को ही नकार दिया है। भाजपा ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री सभा में 1,00,000 लोग आएंगे, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी मोदी की सभा में 10,000 लोग भी एकत्रित नहीं हो पाए। इसके साथ ही बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने मित्र अडानी के व्यापार को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ आए हुए हैं, और प्रधानमंत्री ने जिस रेल कॉरिडोर का शिलान्यास किया है वो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए नहीं बल्कि अडानी के फायदे के लिए था। रायगढ़ के कोड़ा तराई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में श्रवण सैकड़ों किलोमीटर दूर का सफर को तय करके यहां पर पहुंचा हुआ था। हाथ में गदा, सर पर कमल फूल जैसे दिखाने वाला मुकुट और पूरे शरीर पर वैसे ही लाली जैसे भगवान हनुमान की प्रतिमाओं पर देखने को मिलती है। आपको बता दें कि श्रवण ने पूंछ भी लगा रखी थी और जोर जोर से हर हर मोदी के नारे लगा रहे थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका कहना था कि मेरे भगवान श्री राम और मैं उनका हनुमान, मतलब उनका मतलब था कि राम से मोदी को बता रहे थे और हनुमान से वो खुद को बता रहे थे। इतना ही नहीं, ये बातें बिहार के बेगूसराय के रहने वाले श्रवण शाह ने कही है। हैरत इस बात पर की जा रही है कि ये बातें श्रवण सिर्फ कहते नहीं बल्कि इन्हें करके दिखाते हैं। बिलासपुर में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन और डीएमके नेता ए राजा के बयान को लेकर गुरुवार को देर शाम विरोध किया गया। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने दोनों नेताओं की तस्वीरों का पांवदान बनाकर शिव मंदिर के सामने रख दिया, जहां जिसके बाद से उसे हर कोई अपने पैरों से कुचलता रहा। सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक बयान देने वाले नेताओं का इसी तरह से विरोध करने का लोगों ने ऐलान भी किया है। छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय है। प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार की शाम से लेकर देर रात तक मूसलाधार बरसात हुई, जिससे बिलासपुर में बाढ़ के हालात बन गए। इसके साथ ही लगातार 3 दिनों से हो रही बरसात के बाद मुख्य मार्गों और रिहायशी इलाकों में पानी भर गया और सड़कें भी लबालब हो गई। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी बिलासपुर सहित कोरबा, रायगढ़, रायपुर, गरियाबंद और ऐसे तमाम जगहों पर नारायणपुर जैसे जिले में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।